दोस्तों स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के 40 VBI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बिना समय गए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जाति प्रथा। दो नंबर प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 18 फरवरी 1916 ई को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट तीन नंबर प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे? शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भाषण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चार नंबर प्रश्न है, प्रेम की पीर के कवि किस कवि को कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, खनानंद को। पांच नंबर प्रश्न है, ऊर्ध्वर्षी के रचनाकार कौन है? ऊर्ध्वर्षी के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुमित्रानंद पंत। छः नंबर प्रश्न है, प्रेम का कमरा किसकी रचना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विनोद कुमार शुक्ल। सात नंबर प्रश्न है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्तुत किस भाषा में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आठवां प्रश्न है, रुपए यहाँ पर रुपए खोने होगा, रुपए खोने का प्रचन किसने रचा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कहानीकार के रिश्तेदार ने। नौ नंबर प्रश्न है, घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की भाषा क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पाली। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट दस नंबर प्रश्न है, बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 9.1/2, यानी 9.5 साल के थे बिरजू महाराज तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। 11 नंबर प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चाचा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, ईसाई प्रदाय किस पर विश्वास करता है? ईसाई संप्रदाय किस पर विश्वास करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मौन में। 13 नंबर प्रश्न है, मछली है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मछली एक कहानी है, मछली पाठ है वो एक कहानी है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना के भद्रघाट नामक स्थान पर हुआ था। 15 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म के पांचवें गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्जुन देव। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भक्ति काल के। 18 नंबर प्रश्न है, कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेम मार्ग को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, प्रेमधन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कलकत्ता के। 20 नंबर प्रश्न, सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चिदम्बला। 21 नंबर प्रश्न है, सुजाता का वास्तविक नाम रंगराजन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एस रंगराजन। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। 22 नंबर प्रश्न है,
हिरोशिमा शीर्षक कविता में निकलने वाला सूरज क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में निकलने वाला सूरज क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अणु बम। अणु बम इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 23 नंबर प्रश्न है, कवि के अंदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एक जानी दुश्मन। 24 नंबर प्रश्न है, कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गरीब बस्तियों में। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। 25 नंबर प्रश्न है, बच्चा कहाँ आकर ठहर जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अड़ाव पर। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, रूपसा क्या है? रूपसा क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए होगा, सॉरी, बंगला की नदी। बंगला की नदी। देखिए 27 नंबर प्रश्न है, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्वास करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कवि के कपोलों पर। 28 नंबर प्रश्न है, मंगमा अपना पैसा किसके पास रखना चाहती थी? मंगमा अपना पैसा किसके पास रखना चाहती थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, माजी के पास। 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 29 नंबर प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़िया से। 30 नंबर प्रश्न है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ईश्वर पैटलिकर। 31 नंबर प्रश्न है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मंगू। माँ कहानी का प्रमुख पात्र मंगू है। 31 नंबर आप 32 यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रसखान की। 33 नंबर प्रश्न है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी तमिल भाषा से अनुदित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 34 नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सामर दैया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 35 नंबर प्रश्न है, धरती कब एक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नारी की। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, 37 नंबर प्रश्न है, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 4। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सभा। 39 नंबर प्रश्न है, पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, यह कौन सी संज्ञा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 40 नंबर और अंतिम प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है? कवि का स्त्रीलिंग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कवित्री।